फ्रेंड्स, आज हम आपके यूनिट 3 जुडिशरी स्टार्ट करेंगे. ओके, जुडिशरी इट मींस हमारे देश की न्यायपालिका. चलिए स्टार्ट करते हैं. अ ग्लैंस एट द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स यू अ ग्लिम्पस ऑफ द रेंज ऑफ वर्क डन बाय द कोर्ट्स इन दिस कंट्री. इट मींस जो हमारा देश है उसमें आप डेली न्यूज़पेपर्स में और टीवीज़ पर देखते होंगे, ठीक है, अ ग्लिम्पस एक झलक देखते होंगे आप डेली वर्क डन बाय द कोर्ट्स. जो कोर्ट्स हैं हमारे, जो हमारी अदालतें हैं, वो क्या क्या वर्क करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कार्य करते हैं, आप डेली न्यूज़पेपर्स में टीवीज़ पर देखते होंगे. आज ये फैसला आया, आज ये केस चल रहा है, ऐसे करके. ओके, बट कैन यू थिंक ऑफ व्हाई वी नीड दीज कोर्ट्स. लेकिन क्या कभी आपने थिंक किया कि ये जो कोर्ट्स हैं हमें इनकी नीड क्यों है. एज यू हैव रीड इन यूनिट 2, हमने यूनिट 2 में देखा था, इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ. कि हमारे देश भारत में रूल ऑफ लॉ है, नियम, कानूनों का नियम है, नियम ऑफ लॉज है. व्हाट दिस मींस, इसका मींस क्या है, इज दैट ये लॉज अप्लाई इक्वलिटी टू ऑल पर्संस. इट मींस अकॉर्डिंग टू आवर लॉ, हमारे कानून के अनुसार, इवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अप्लाई इक्वलिटी ऑल पर्संस. जितने भी पर्संस हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, वो सभी इक्वल है, समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, रिच पुअर, अमीर गरीब नहीं है, हायर कास्ट लोअर कास्ट ऐसा कुछ नहीं है. ओके, इट मीन्स डिफरेंसेस नहीं है, सब इक्वल है, सबको राइट टू वोट है, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो. दैट ए सर्टेन सेट ऑफ फिक्स प्रोड्यूसर्स नीड टू बी फॉलोड वेन ए लॉ इज वायलेटेड. और जब कोई लॉ कानूनों को उल्लंघन करता है, कानूनों को तोड़ता है, तो सभी के खिलाफ एक निश्चित प्रक्रिया की जाती है. एक सर्टेन प्रोड्यूसर होते हैं, एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है कि अगर कोई कानूनों को तोड़ता है तो उनको पनिश किया जाए. तो एक प्रोसेस होती है इसकी, टू एनफोर्स दिस रूल ऑफ लॉ. और हमें ये जो रूल ऑफ लॉ है, नियम, कानूनों के जो नियम हैं, इनको एनफोर्स करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, वी हैव अ ज्यूडिशियल सिस्टम. हम एक न्याय तंत्र रखते हैं. दैट कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स दैट अ सिटीजन कैन अप्रोच वेन ए लॉ इज वायलेटेड. हमारे पास जुडिशल सिस्टम है, न्याय तंत्र है, जिससे कि कोर्ट्स जो है वो कार्यविधिया करते हैं, अपनी गतिविधियाँ करते हैं. दैट अ सिटीजन, जिससे कि एक नागरिक कैन अप्रोच, एक नागरिक जो है वो अपना अप्रोच कर सकता है जब कोई लॉ, जो लॉ है, कानून है, उनका उल्लंघन होता है, उनको वायलेटेड किया जाता है. तो कोई भी सिटीजन जो है, देश का जो नागरिक है, वो कानून, ठीक है, कानून की शरण में जा सकता है. एज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारी गवर्नमेंट का एक पार्ट है, एक ऑर्गन है, अंग है. द जुडिशरी प्लेज अ सर्कल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी. जो इंडिया की डेमोक्रेसी है, हमारा भारत देश एक लोकतंत्र है, और हमारे डेमोक्रेसी में जो जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके, इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट. ये इतना अच्छा रोल इसलिए प्ले कर पाती है बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट. ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपने आप में ये फ्री है, फ्रीडम से भरी है, इट मीन्स परिपूर्ण है. कोई भी कितना भी बड़ा MP, MLAs, PM, CM कुछ भी हो, ठीक है, वो जुडिशरी के ऊपर अपना प्रेशर नहीं बना सकते, उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते, जज वगैरह को. तो जो हमारा न्यायतंत्र है वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है, किसी का कोई दबाव हमारे जुडिशल सिस्टम पर नहीं है. दैट कॉल्स इंडिपेंडेंट. व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन. अब आप बताएं, जुडिशरी मीन्स क्या समझते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इज देयर एनी कनेक्शन, क्या बता सकते हो कि कोर्ट्स, जो हमारे एरिया में कोई कोर्ट है या और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें कोई कनेक्शन है, ठीक है. और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, इन न्यू दिल्ली. इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस. इस चैप्टर में हम इन क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है, प्लस में जो हमारे एरिया का कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कोई कनेक्शन है या नहीं है, है तो कैसे कनेक्शन है, हम सब इन आंसर्स को आगे देखेंगे. ओके,